स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंटेंट हिंदी पर। आइए ऑनलाइन पढ़ते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं समास। अक्सर विद्यार्थी यह सोचते हैं कि समास बहुत कठिन है, लेकिन एक बार अगर आप इसे समझ लेंगे तो आप आसानी से समास का विग्रह कर पाएंगे और साथ ही साथ विग्रह करने के बाद कौन सा समास है इसकी पहचान भी कर पाएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि समास किसे कहते हैं, समास में समस्त पद, उत्तर पद, पूर्व पद क्या होता है, समास का विग्रह कैसे होता है, संधि और समास में क्या अंतर है, समास के कितने भेद हैं, और इसके साथ साथ हम जानेंगे समास के तीन भेदों के बारे में, अव्यय भाव, तत्पुरुष और कर्मधारय। इसके बाद समास के बाकी जो भेद हैं वो हम इस वीडियो के दूसरे भाग में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि समास किसे कहते हैं, यानी कि समास की परिभाषा क्या है। समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण, यानी कि किसी बात को कम शब्दों में कहना, यानी किसी भी शब्द का छोटा रूप। तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द, सार्थक से मतलब है कि जिसका कोई अर्थ हो, को समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए रसोई के लिए घर, इसे हम रसोई घर भी कह सकते हैं। इसी तरह पाठ के लिए शाला, इसे हम पाठशाला भी कह सकते हैं। तो संस्कृत, जर्मन और बहुत सी भारतीय भाषाओं में समास का बहुत प्रयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे कि सामासिक शब्द किसे कहते हैं। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है, इसे समस्त पद भी कहा जाता है। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह गायब हो जाते हैं। आप जानते होंगे कि शब्द बनने की कई प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कुछ शब्द संधि के द्वारा बनते हैं, कुछ समास के द्वारा बनते हैं, कुछ उपसर्ग या प्रत्यय के योग से बनते हैं। तो इस तरह जो शब्द समास के नियमों से निर्मित होते हैं उन शब्दों को हम कहते हैं सामासिक शब्द। इन्हें समस्त पद भी कहा जाता है और समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह गायब हो जाते हैं, यानी कि समास जब हम करते हैं शब्दों का तो उसके बाद जो सामासिक शब्द बनता है उसमें शब्दों को जोड़ने वाले जो शब्द दिए रहते हैं वो नहीं रहते हैं, गायब रहते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं रसोई के लिए घर। अब यहाँ पर के लिए जो है वो विभक्ति है। आप जानते होंगे कि कारक के चिन्ह को ही हम विभक्ति कहते हैं, तो वहां पे हमने देखा था कि के लिए जो है वो विभक्ति है। इसी तरह हाथ के लिए लकड़ी, यहाँ पर भी के लिए विभक्ति है। जब हम समस्त पद बनाते हैं तो इस विभक्ति का लोप हो जाता है और शब्द बनता है हथकड़ी। इसी तरह नील और कमल, अब यहाँ पर ये जो संबंध, ये जो परसर्ग है यहाँ पे, इसका लोप हो जाता है कारक के चिन्ह का और बनता है शब्द नील कमल। राजा का पुत्र, यहाँ भी जो कारक का चिन्ह है इसका लोप हो जाता है और बनता है राजपुत्र। अब हम जानेंगे कि पूर्व पद और उत्तर पद किसे कहते हैं। समास रचना में दो पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों से जो नया शब्द बनता है वो समस्त पद कहलाता है। तो यहाँ पर आप तीन चीजें जानेंगे कि समस्त पद किसे कहते हैं, पूर्व पद किसे कहते हैं, उत्तर पद किसे कहते हैं। ये बहुत आसान है। जैसे राजमहल एक समस्त पद है। अब यहाँ पर पूर्व पद हो गया राज और उत्तर पद हो गया महल, क्योंकि यह जो राजमहल शब्द है वो दो पदों से मिलकर बना है, राज और महल। अब यहाँ पर हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे पूजा घर, पूजा घर समस्त पद है, पूजा के लिए घर। अब यहाँ पर पूर्व पद है पूजा और उत्तर पद है घर। जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा पूजा के लिए घर। तो ये पूजा घर शब्द में पूजा जो है वो हो गया पूर्व पद और घर जो है वो हो गया उत्तर पद। इसी तरह दूसरा उदाहरण लेते हैं राजपुत्र। राजपुत्र एक समस्त पद है। अब इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो पद हैं, क्या क्या है, राजा और पुत्र। तो राजा हो गया पूर्व पद और पुत्र हो गया उत्तर पद। और इसी तरह जब हम इसका विग्रह करेंगे इस समस्त पद का तो यह हो जाएगा राजा का पुत्र। अब हम जानेंगे समास विग्रह।
समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने को समास विग्रह कहते हैं। विग्रह के बाद समासिक शब्द गायब हो जाते हैं, अर्थात जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे हमने पिछले अभी उदाहरण में किया, रसोई के लिए घर, रसोई घर। अब जो शब्दों के बीच जो संबंध था रसोई के लिए, उसको हमने हटा दिया और वह शब्द हो गया सामासिक। लेकिन जब हमने विग्रह किया तो फिर क्या हुआ, सामासिक शब्द गायब हो गया, रसोई घर गायब हो गया। अब वो क्या हो गया, रसोई के लिए घर, यानी कि उसके जो सारे पद थे वो अलग अलग कर दिए गए हैं। अब हम यहां पर देखेंगे जैसे माता पिता, तो माता और पिता, राजपुत्र राजा का पुत्र। अब हम यहाँ पर जब विग्रह करते हैं तो क्या होता है, ये प्रत्येक पद जो है इसका पूर्व पद और उत्तर पद वो अलग हो जाता है। यहाँ भी माता पिता पूर्व पद और उत्तर पद है और ये यहाँ पर अलग हो चुके हैं। जब आप यहाँ पर समास कर रहे थे, समस्त पदों को देख रहे थे, विग्रह कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं यह मन में प्रश्न उठता है कि जब हम विद्या जोड़ आलय विद्यालय करते हैं और विद्या का आलय विद्यालय करते हैं, कहीं ना कहीं संधि और समास के बीच में एक द्वंद हमारे मन में आता है। तो यहाँ पर स्पष्ट अंतर है समास और संधि के बीच में कि संधि में वर्ण मिलते हैं। जैसे जब हम कहते हैं विद्या जोड़ आलय, तो वहां पर क्या हो रहा है कि दो वर्ण मिल रहे हैं, आ जोड़ आ, विद्या का आ और आलय का आ। लेकिन जब हम कहते हैं विद्या का आलय, तो वहां पर दो पद मिल रहे हैं, विद्या और आलय। तो समास में पदों का मेल होता है, संधि में वर्णों का मेल होता है, समास का विग्रह होता है और संधि का विच्छेद होता है। तो ये दो जो है वो संधि और समास के बीच में मुख्य अंतर है। अब हम देखेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के मुख्यतः छह भेद माने जाते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास और पांचवा द्वंद समास, छठा है बहुव्रीही समास। अब यहाँ पर एक बार हम संक्षेप में इन छह समास के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो में मुख्य रूप से इन तीन समासों के बारे में बात करेंगे। तो जैसे अव्ययी भाव समास है, इसमें पहला पद अव्यय होता है। अव्यय आपने पहले पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है आपने तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको एक बार देख ले। अव्यय यानी कि ऐसे शब्द जिनके ऊपर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन, तो ये हो गए अव्ययी भाव समास। इसके बाद है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसकी एक खास पहचान है कि जब आप इसका विग्रह करते हैं तो इसके बीच में विग्रह के बीच में कारक के चिन्ह आते हैं। इसके बाद है कर्मधारय समास। इसमें आप देखेंगे कि जब आप विग्रह कर रहे होते हैं तो इसमें एक विशेष विशेषण संबंध होता है, यानी कि जो पहला पद होता है और दूसरा पद होता है, इन दोनों के बीच में एक विशेष विशेषण संबंध होता है, वे एक दूसरे की विशेषता को बताते हैं। तो ये तीन चीजें अगर आपको याद रहेंगी तो आप आसानी से इन समास के विग्रहों के आधार पर उनकी पहचान कर पाएंगे। द्विगु समास जो है, इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, यानी कि वहां पर जो पहला पद होगा वो किसी न किसी संख्या को बताएगा, जैसे चौराहा, चार राहों का समाहार। तो यहाँ पर चार जो है वो क्या है, संख्या है, तो वो द्विगु समास के अंतर्गत आता है। उसके बाद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में आप देखेंगे कि अधिकतर एक योजक चिन्ह का उपयोग किया रहता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, तो माता और पिता के बीच में योजक चिन्ह होता है, वह उसकी एक पहचान है और इसमें दोनों पद प्रमुख होते हैं, तो ये हो गया द्वंद समास। इसकी हम पहचान इस तरह से कर सकते हैं। और छठा है बहुव्रीही समास। इसमें दोनों पदों को छोड़कर तीसरा पद प्रधान होता है, यानी कि जब भी हम इसका विग्रह करते हैं तो उसमें अर्थात करके लिखते हैं। उदाहरण के लिए पीताम्बर, पीला हो अंबर जिसका, अर्थात विष्णु। जैसे हम कोई और उदाहरण ले सकते हैं बहुव्रीही समास का, एक और उदाहरण लेते हैं हम, जैसे मुरलीधर, मुरली को धारण किया हो जिसने, अर्थात श्री कृष्ण। तो यहाँ पे सीधा अर्थ ना होकर के तीसरा अर्थ प्रधान होता है, तो वो बहुव्रीही समास के अंतर्गत आता है। अब हम एक एक करके इन समास के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं अव्ययी भाव समास के बारे में।
जिस समास का पूर्वपद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता है, वो हमेशा एक जैसा रहता है। अब हम यहाँ पर कुछ उदाहरण देखेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जितने भी उदाहरण दिए गए हैं वो ऐसे उदाहरणों को चुना गया है जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप इन उदाहरणों को अपनी कॉपी में जरूर लिख लें। जैसे यथाशक्ति विग्रह होगा शक्ति के अनुसार, और यथा अव्यय है इसीलिए यह समास कौन सा हो गया, अव्ययी भाव समास। इसी तरह प्रतिदिन प्रत्येक दिन, आजन्म जन्म से लेकर, समास में विग्रह बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आप ये भी देखेंगे कि समास का विग्रह किस प्रकार किया गया है। घर घर प्रत्येक घर, रातों रात रात ही रात में, आमरण मृत्यु तक या मरण तक, अभूतपूर्व जो पहले नहीं हुआ, निर्भय बिना भय के, अनुकूल मन के अनुसार, भरपेट पेट भरकर, बेशक शक के बिना, खूबसूरत अच्छी सूरत वाली। अब हम देखते हैं तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यह कारक से जुड़ा समास होता है। इसमें ज्ञातव्य विग्रह में जो कारक प्रकट होता है उसी कारक वाला वो समास होता है। जैसे हम कहते हैं राजा का महल। आप जानते हैं कि संबंध के लिए काके की उपसर्ग परसर्ग का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे ये कारक से जुड़ा हुआ समास है। तो कारक की जो विभक्तियां होती है परसर्ग होती हैं, तो वो जिस कारक की होती है तत्पुरुष समास का भेद भी वही हो जाएगा। जैसे हम अगर कहते हैं राजा का महल, तो यहाँ पर का संबंध कारक है, तो यह कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष। इस तरह के कई उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे देखिए धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, राजा का कुमार, राजकुमार, तुलसीदास कृत, तुलसीदास द्वारा कृत। तो इस तरह से हम तत्पुरुष जो समास है उसके भेद और उसके उपभेद को भी जान सकते हैं। अब हम अगला देखते हैं नए तत्पुरुष। यह तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही एक भेद आता है, इसे अलग से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कई बार क्या होता है नए तत्पुरुष पर भी सवाल बन जाते हैं। इसमें पहला पद निषेधात्मक होता है, यानी कि जिससे नहीं का बोध होगा, और नहीं का बोध होगा तो आप जानते होंगे कि हिंदी में ज्यादातर अ से नहीं वाले शब्द बने हुए हैं। तो आप इसके उदाहरण भी देख सकते हैं, असभ्य जो सभ्य ना हो, अनादि जिसकी आदि ना हो, असंभव जो संभव ना हो, अनंत जिसका अंत ना हो। तो पहला जो पद है और यहाँ पर नकारात्मक निषेधात्मक शब्द है, तो इसीलिए नए तत्पुरुष में क्या होता है कि पहला जो पद होता है वो निषेधात्मक होता है। तो और शब्द यहाँ पर और पद जो है वो निषेधात्मक है, असभ्य ना सभ्य, तो ये हो गया नए तत्पुरुष। अब हम देखेंगे कर्मधारय समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, जिसके लिंग वचन भी समान होते हैं, जो समास में विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास में व्यक्ति वस्तु आदि की विशेषता का बोध होता है। कर्मधारय समास के विग्रह में है जो, के समान, है जो तथा रूपी शब्दों का प्रयोग होता है। अब जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाला, यहाँ पे विशेषता बताई गई है। दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा। गुरुदेव, गुरु रूपी देव, विशेषता बताई गई है। चरण कमल, कमल के समान चरण। नील गगन, नीला है जो गगन या आसमान, तो यहाँ पे विशेषता बताई गई, तो विशेष से विशेषण संबंध इसमें रहता है। उम्मीद है आपने इसमें समास को अच्छे तरीके से समझा होगा और साथ ही साथ समास के तीन भेदों को, तत्पुरुष अव्यय भाव और कर्मधारय को भी जाना होगा। अगले वीडियो में आप समास के बाकी भेद को देखेंगे। धन्यवाद।